हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी कंपनीज अपने जो है क्वार्टर फोर के रिजल्ट पोस्ट करने वाली हैं और डिविडेंड पे या अपना बोनस पे विचार करने वाली हैं। तो साथ के साथ जो है ये भी चीज जो है देख लेंगे और इनमें से कुछ कंपनीज के ऊपर मैं जरूर जो है एक क्वार्टरली रिपोर्ट रखूंगा आपके सामने कि किस तरीके से जो है रिजल्ट आए हैं और आगे क्या जो है फिर व्यू रहना चाहिए स्टॉक के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक लंबी लिस्ट है तो यहाँ पे जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले जो है बात करेंगे बिरला सॉफ्ट की। तो बिरला सॉफ्ट का आप देखेंगे बायबैक पे विचार करेगी कंपनी, डिविडेंड पे विचार करेगी एंड फाइनेंशियल रिजल्ट भी जो है आज पोस्ट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे जो है आप बात करेंगे जो कंपनीज केवल डिविडेंड एंड अपने फाइनेंशियल रिजल्ट जो है पोस्ट करने वाली है उनमें एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एपेक्स फ्रोजन फूड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, धनुका एग्रीटेक लिमिटेड, डिवीज लेबोरेटरीज, ग्रेफाइट इंडिया, कानपुर प्लास्टिक पैक, मजदा लिमिटेड, नेलकास्ट, नीलकमल लिमिटेड, पिटी इंजीनियरिंग, रैपको होम, रूपा एंड कंपनी, सनसेरा इंजीनियरिंग, शिल्पा मेडिकेयर, सेल, तालब्रोज ऑटोमोटिव, रैमको सीमेंट्स, टीटीके हेल्थ केयर, यूनिवर्सल केबल्स, वैभव ग्लोबल, विंध्या टेलीलिंक्स, साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन, डॉलर इंडस्ट्रीज, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, न्यू इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, उगर सुगर वर्क्स। तो ये सारी की सारी कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करेंगी एंड अपने जो है फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस करेंगी आज के दिन। अब जो कंपनीज ओनली जस्ट अपना फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस करने वाली हैं, कोई डिविडेंड या बोनस पे कोई विचार विचार नहीं है, तो उनके बारे में जो है बात कर लेते हैं। जिसमें है बर्नपुर सीमेंट, सेंचुरी एक्सट्रूशंस, डेटा पैटर्न्स, डिजी कंटेंट, इगर्सी मोटर्स, कावेरी सीड, पेनेश डिजी लाइफ, पटेल इंजीनियरिंग, प्रिकॉल लिमिटेड, रोलेक्स रिंग्स, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, तेनवाला केमिकल, उमा एक्सपोर्ट्स, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस, जोमेटो लिमिटेड, बालाक्षी फार्मास्यूटिकल, डीपी वायर्स, जीएसएस इन्फोटेक, क्रेप्स बायोकेमिकल्स, नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट, आरकेईसी प्रोजेक्ट्स, सिरका पेंट्स, थॉमस कुक, टीआरएफ लिमिटेड एंड वेस्कॉन इंजीनियर्स। इनमें से कुछ कंपनी जैसी हैं जिनके रिजल्ट्स पे जो है बिल्कुल ध्यान देना चाहिए क्योंकि कुछ जो है रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं। तो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में अगर बात करें जोमेटो लिमिटेड, काफी अच्छा खासा जो स्टॉक के अंदर गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। कैसा रहेगा रिजल्ट, क्या जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी आगे के लिए, तो उस पर बात करेंगे। उमा एक्सपोर्ट्स, ये भी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है एंड साथ ही साथ अगर बात करें तो डेटा पैटर्न्स, ये भी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स है एंड इन पे जो है बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे जो है इनके रिजल्ट्स रहते हैं। रोलेक्स रिंग्स, ये भी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। तो ये चार पांच स्टॉक जो रिसेंटली लिस्टेड है तो इन पे एक बार देखेंगे कैसे इनके जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखते हैं, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है, इन्फ्लेशन को लेके, सप्लाई चेन डिसरप्शन को लेके क्या जो है इनकी एक कमेंट्री रहती है, उसको भी जो है ध्यान में देंगे एंड साथ के साथ कावेरी सीड, ये बहुत समय से जो है ये स्टॉक्स चले नहीं है एग्रीकल्चर वाले, जिसमें कावेरी सीट है, नाथ बायोजींस है और भी स्टॉक्स हैं। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कितना और जो है इंतजार करना पड़ेगा ये जो है ठीक होने में इस सब चीजों को, तो उस पर जो है जरूर जो है नजर बनाए रखेंगे और देखेंगे कि कैसे रिजल्ट जो है इसके आते हुए दिखेंगे और आगे की क्या जो है मैनेजमेंट गाइडेंस देता है। विंध्या टेलीलिंक्स, इस पे भी जरूर जो है ध्यान रखना है। डॉलर इंडस्ट्रीज, ये देखेंगे कैसे जो है नतीजे इसके आते हैं डॉलर इंडस्ट्रीज के। और तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, ये जो है स्टॉक काफी जो है लोगों के नजर में आया है काफी समय बाद, और तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स या मनाली पेट्रोकेमिकल्स या पनामा पेट्रो है, तो ये स्टॉक्स में भी अच्छी खासी जो है खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो देखते हैं इस बार के कैसे रिजल्ट जो है रहते हैं। सेल पे भी जो है नजर रखेंगे कैसे जो है इनके रिजल्ट रहते हैं। बेसिकली आज एक अच्छा खासा जो है डाउनफॉल देखने को मिला ही है क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से जो है एक
एक्सपोर्ट पे जिस तरीके से इन्होंने जो है वेटेज बढ़ाई है और रेट जो एक्सपोर्ट पे जो रेट जो बढ़ाए हैं उसकी वजह से, तो उस पर भी जो है नज़र बनाए रखेंगे और एक्सपोर्ट पे जो है रेट इंक्रीज किया है एंड इम्पोर्ट पे जो है रेट डिक्रीज किया है तो उसके बारे में भी जो है बात करेंगे। एंड रूपा एंड कंपनी, ये इस स्टॉक पे भी जो है ध्यान रखने वाला है ये स्टॉक, क्योंकि अच्छे रिजल्ट तो आ रहे हैं लेकिन इसके अंदर जो है अपसाइड नहीं देखने को मिली है, तो देखते हैं कैसी जो है गाइडेंस आती है मैनेजमेंट की तरफ से। एपेक्स फ्रोजन फूड, अवंती फीड के रिजल्ट ठीक ठाक आए थे तो देखने वाली बात होगी कि ये कंपनी कैसे जो है रिजल्ट इस बार पोस्ट करने वाली है। और फार्मा सेक्टर से डिवीज लेबोरेटरीज, तो अभी ग्लेन फार्मा के रिजल्ट तो बहुत ही सॉलिड आए थे, अब ग्लेन डिवीज के देखते हैं डिवीज के रिजल्ट जो है कैसे आते हुए दिखेंगे। और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये भी जो है नतीजों के लिहाज से जो है ये स्टॉक भी जरूरी है देखना, बेल तो इसको भी जरूर देखेंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड धनुका एग्रीटेक एंड बिरला सॉफ्ट। तो आईटी सेक्टर का ये स्टॉक जो है रह गया जिसके नतीजे अभी तक नहीं आए थे, जो आज जो है ये कंपनी पोस्ट करने वाली है बिरला सॉफ्ट, तो कैसे नतीजे आएंगे तो चलिए देखते हैं। फिर अभी जो है मैं अभी जैसे ही जो है इनके नतीजे आएंगे तो उसके बाद में मैं जरूर जो है एक वीडियो आपके सामने रखूंगा और कुछ स्टॉक्स इसमें से जो है चूज करके उस पर जरूर जो है मैं आपके सामने उनके नतीजे रखने की कोशिश करूंगा। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।